हेलो नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीम नोट्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े होंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हमारे साथ, हमारे बीच में हमारा कौन कौन साथी आ चुका है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की जो क्लास है अपनी, वो रहने वाली है बेसिक क्लास। ठीक है, हम लोग एक एक चैप्टर रीजनिंग का करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। जीरो से हीरो क्लास है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लिखा था जीरो टू हीरो क्लास। जीरो टू हीरो क्लास है आज अपन लोगों की। ठीक है, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो भी आ चुके हैं, मोनिका प्रजापति नमस्ते, अनुष्का यादव नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो, मुस्कुराती रहो, प्रसन्न रहो। एक बार ठीक है, अपने थंबनेल में देख लिया, आज की जो क्लास है, क्लास रहने वाली है डायरेक्शन की, यानी दिशा एवं परीक्षण की क्लास रहने वाली है। तो आइए थोड़ा पहले जान लेते हैं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन होता क्या है। पांच बच्चे जुड़ चुके, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग, देखिए जो डायरेक्शन होती है बेटा, डायरेक्शन जो हम लोगों की है, एक मिनट पेन जरा सेट कर ले। ठीक, आज हम लोगों को जो बेसिक क्लास है, वर्षा यादव नमस्ते। देखिए डायरेक्शन जो होती है हम लोगों का, देखिए कितनी दिशाएं होती हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। जो दिशाएं हमारी कितनी होती हैं, कमेंट करके बताएंगे। रवि प्रजापति, राधे राधे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कितनी दिशाएं होती हैं हम लोगों की। देखिए जो दिशाएं होती हैं, दिशाएं कितनी होती, मुख्य दिशाएं कितनी होती, चार। ठीक है, चार दिशाएं कौन कौन सी होती, पूरब होती है, पश्चिम होती है, सब जानते होंगे, पश्चिम यह होती है, और ऊपर हमारी होती है उत्तर होती है, और नीचे क्या होती, दक्षिण। यहां पर इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। सारिका पटेल, हेलो, आप बहुत अच्छे लगते हो। ठीक, इसको बोलते हैं क्या बेटा, साउथ। ठीक, कितनी दिशाएं होंगी हमारी, चार दिशाएं होती है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए एक तरीका होता है बेटा, न्यूज। न्यूज से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से क्या होता है, साउथ होता है। एस से क्या होता है, साउथ। अब देखिए चार हमारी हो गई दिशाएं, अब उप दिशाएं कितनी होती हैं हमारी, चार उप दिशाएं होती हैं। चार उप दिशाएं कहाँ से बनेंगी, यहीं से बनेंगी। जैसे संध्या आ गई, नमस्ते बेटा, जैसे यहां पर हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी, और यहां पर हमारी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और यहां पर हमारी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और यहां पर ऊपर हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। यहां पर ऊपर हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। तो यानी अब आपसे कोई पूछे हमारी दिशाएं कितनी होती, तो आप बताएंगे हमारी आठ दिशाएं होती हैं। चार हमारी दिशाएं होती हैं और चार हमारी उप दिशाएं होती हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं साउथ ईस्ट बोल देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साउथ नहीं सॉरी नॉर्थ वेस्ट। इतना कंफर्म हुआ आप लोगों का? ठीक है, आप आ जा गुरु जी, क्या कर रहे रवि प्रजापति, आज आप गुरु जी छा लग रहा है, हूं पता नहीं क्या बोल रहा है। तो अब देखिए इतना आपने देखा, अब इन्हीं पे जो डायरेक्शन चैप्टर है, बस इन्हीं पे पूरा टिका हुआ है, इन्हीं पे पूरा टिका हुआ। कभी बोलता है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, फिर इसके बाद दाएं मुड़ता बाएं मुड़ता। और एक चीज आप और समझ लीजिए, देखिए कभी भी अगर बोले दक्षिणावर्त, सवाल में आ जाते, बोलता है दक्षिणावर्त का मतलब होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा दाया।
ठीक है ना। और वामावर्त बोलता है, वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होता है, बाएं होता है, ठीक है। दाएं का मतलब होता है बेटा आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। कभी कभी सवाल बोल देता है कि घड़ी की दिशा में आपको सवाल आगे देखने को मिलेंगे, और बोल देता है घड़ी की विपरीत दिशा। अगर बोले घड़ी की दिशा में, तो घड़ी हमारी कैसी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी 12 से चलती है, 1 2 3 4 कैसा हमारा दाएं तरफ चलती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। और वामावर्त को वाएं बोलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉरी एंटी क्लॉक लिख दिया यहाँ पर, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। 1 मिनट, दाएं का मतलब बेटा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इतना हुआ, दक्षिणावर्त बोल देगा तो हमें दाएं जाना है, वामावर्त बोल देगा तो हमें बाएं जाना है, ठीक है। वामावर्त बोल देगा तो हमें कैसे जाना, बाएं, बाएं जाना है। एक मिनट, अब देखिए इसमें कभी बोल देता पश्चिमोत्तर, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर बोल दे सवाल में पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब होता है बेटा पश्चिम और उत्तर, यानी बोल रहा है कि एक व्यक्ति, अगर बोल दिया कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में जा रहा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पश्चिमोत्तर का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगी, ये वाली दिशा हमारी हो जाएगी पश्चिम उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, ठीक है। इतना हुआ, आज जो हम लोग टाइप है पढ़ने का, आज जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, पहला हमारा टाइप है बेटा अंश पर आधारित, अंश पर आधारित, ठीक। इसी तरीके से हम लोग डेली हर बढ़िया बढ़िया टाइप करेंगे और उसके क्वेश्चन करते जाएंगे। पहला हमारा क्या, अंश पर आधारित है, और दूसरा हमारा टाइप कौन सा है, दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा है क्रम पर आधारित, दूसरा हमारा क्या, क्रम पर आधारित, और तीसरा हमारा जो होगा, तीसरा होगा आपको मतलब अंतिम दिशा ज्ञात होगी, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा होगा, ठीक। अंतिम ज्ञात होगी आपका, प्रारंभिक पूछ रहा होगा, अंतिम या तो होगी और प्रारंभ की पूछ रहा होगा, ठीक। वैसे सवालों में क्या होता है, हमें, हमको मतलब प्रारंभ की दिशा दे देता है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसकी लास्ट की दिशा निकालनी होती, और आज हमें बोलेगा उसको अंतिम दिशा दे देगा लेकिन प्रारंभ की पूछेगा। देखना ये सवाल को, बहुत बच्चे गलत करेंगे। देखिए आज हल्का सा पहले ट्रायल, क्रम अंश पर आधारित पे हल्का सा ट्रायल मैं ले रहा हूँ, हल्का सा ट्रायल अंश पर आधारित के लिए। 1 मिनट, ठीक। हल्का, जैसे मैंने बोला कि एक व्यक्ति, आप लोग सब सब देंगे, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, व्यक्ति, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, वह सवाल लिख रहे हैं आप लोग जहां पर बैठे हो, सॉल्व करना है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, वह 90 अंश अपने दाएं मुड़ा, 90 अंश दाएं मुड़ा, अब बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा, अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है। जितने भी लोग दे रहे हैं सभी लोग बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, 90 अंश दाएं मुड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ, वेरी गुड। तो देखिए एक व्यक्ति अगर पूरब की ओर जा रहा है, पूरब दिशा हमारी कौन सी होती है, और वह 90 अंश दाएं मुड़ा, 90 अंश दाएं का मतलब होता है, 90 अंश दाएं का मतलब होता है एक राइट, 90 अंश दाएं का मतलब क्या होता है, एक राइट। अगर वो 90 अंश मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारी दिशा कौन सी होती है बेटा, साउथ इज द राइट आंसर, यानी दक्षिण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रवि प्रजापति, मोनका प्रजापति, संध्या, वेरी गुड, अनुष्का, यादव, साउथ, सबका सही है। अब चलते हैं अपने सवालों की ओर, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ठीक, और जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं आपकी, यहीं पर सही हो जाएंगी। देखिए सवाल हमारा यह रहा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 315 अंश बाएं घूमता है, बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है,
यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गए, आपको एक चीज बताना यहाँ पर भूल गए। जो देखिए जो हमारी जो दिशाएं होती है इनमें पूरा गैप कितना होता है, 360 को होता है, ठीक है, कितने को होता है, 360 का होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए इसके बीच कितने का होता है, 45 का गैप होता है, 45 अंश, यहाँ भी 45, 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 यहाँ भी 45 अंश, यहाँ भी 40, और जो टोटल जो पूरा होता है, टोटल पूरा कितना होता है, 360 होता है, ठीक है, 360। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है गैप, 90 अंश का, 90 90 90, ठीक। आप चलिए इसको करिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 315 अंश बाएं घूमता है, बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, बताएं कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। ईस्ट है। चलो आओ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को ऐड कर लेते हैं बेटा, डी को पूरब, पूरब है ऑप्शन में, एनओटी दिया, ठीक। चलिए ईस्ट है, रवि प्रजापति, वर्षा यादव, उत्तर पश्चिम। चलिए देखते हैं, देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, पहले हम दिशाएं बना लेते अपनी चारों, ये हमारे क्या हो गया बेटा, पूरब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर खड़ा, वह 315 अंश बाएं घूमता है, 315 अंश बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमें इस तरीके से घूमना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यह कितना होता है, पूरा 90 होता, ठीक है, और 90 45 बेटा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है, 135, और 100, हाँ 90 45, 145, और बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 और 45 कितना हो जाएगा, 180 और 45 कितना हो जाएगा, 225 यहाँ तक हो जाएगा, 225 और 45 कितना हो जाएगा, 225 और 45 270 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 270 हो जाएगा। अब 270 में बेटा 45 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, 1 2 3, यानी 315, 315। तो हमारी बेटा दिशा कौन सी आ रही है बताइए, ये वाली दिशा आ रही, ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी होती है, देखिए सबका आंसर गलत है, ईस्ट है, देखो है कमियां हैं आप लोगों में कहीं नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो फिर से देख लो एक बार, फिर से एक बार देख लो भाई, आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो, इसको रहने दो, यहीं पे साफ कर देते। चलो यहां से देखते हैं, दिशाएं बनाते हैं, चलिए देखिए यहां से यहां तक यह कितना होता है, 45 होता है, यह कितना होता है, 45 होता है, ठीक है, ये 45 होता है, ये भी 45 होता है, और ये भी 45 होता है, ये भी 45, और ये भी 45, ये भी 45। हाँ रॉन्ग हो गया, नहीं हो गया रॉन्ग, ठीक है, 315 जाना है बेटा, उत्तर से हम लोग कैसे घूमना, बाएं घूमना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90 आ जाएगा, यहाँ पर 180 आ जाएगा, 180 और 45 बेटा कितना होता है, यहाँ से अब 225, 225 और 45 कितना होता है, 270, 270 और 45 यहाँ तक आएंगे ना, 315, तो यह वाली दिशा हमारी कौन सी होती है बेटा, उत्तर पूर्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। छोटा दिख रहा होगा ना, पीडीएफ बनाने में इतनी गलती हो रही है, ये तो पूरा फुल बना करे पीडीएफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक व्यक्ति का मुख, चलिए इसको सही कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए, जिसने भी गलत किया है इसको सही कर दीजिए, इसको सही कर दीजिए भैया,
एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति का मुख कहां पर है? पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया। एक व्यक्ति का मुख कहां है? दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। व्यक्ति का मुख कहां है? दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। वह 225 अंश बाएं घूमने के बाद 135 अंश दाएं घूमता है, बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है। दक्षिण पूर्व कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर, ठीक। उसका मुख कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। देखिए दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, देखिए कभी भी अगर दो दे दे कि एक बार बाएं घूम रहा दाएं घूम रहा, तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए। पहले उसमें लिख दीजिए आप बाएं और एक साइड लिख दीजिए दाएं, एक साइड लिख दीजिए बाएं और एक साइड लिख दीजिए दाएं। अब देखना है कि देखिए बाएं कितना घूम रहा है, वह 225 अंश बाएं घूमता है। कितना? 225 अंश बाएं घूमने के बाद 135 कैसा घूमता है? 135 अंश दाएं घूमता, तो बताएं। अब देखिए इसमें हो गया बाएं 225, दाएं 135। अब इनमें दोनों में क्या करेंगे? इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे? अंतर करेंगे, ठीक है। इसको अंतर करेंगे, अंतर कितने का निकल कर आएगा? 135 और 225 में अंतर हमारा कितने का निकल कर आएगा? तो 135 और बेटा 225 से आप 135 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 से 235, 5, 40, 60, 20, 60, 30, 90, ठीक है। कितना आ जाएगा? 90 अंश। अब आपको 90 अंश कैसा घूमना, लेफ्ट घूमना है या राइट, तो आपको देख लेना है मान किसका ज्यादा था, बाएं वाले का ज्यादा था या दाएं वाले का। तो आप देखेंगे 225 बड़ा होता कि 135, तो बड़ा क्या होता है? 225। तो आपको लेफ्ट ही बाएं घूमना है, कितना? 90 अंश। 90 अंश आपको कैसा घूमना? लेफ्ट। अब व्यक्ति है कहाँ? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से आप लेफ्ट घूमेंगे भैया, राइट ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज घूमेंगे 90 अंश। तो 90 अंश देखिए 45 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ तक हो जाएगा, 90। तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। भैया आप लोगों का आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। इसके ऊपर वाले का आंसर क्या था? जो इसका ऊपर वाला सवाल था उसका आंसर क्या था? उसका भी उत्तर पूर्व था, ठीक है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। उत्तर दे रहे, वाह भाई वाह। कहाँ गलत कर रहे बेटा? रवि प्रजापति कहाँ पर गलत कर रहे हो? इसका भी आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? आंसर भैया आप लोग नहीं दे रहे हो। आंसर दीजिए भैया। रवि करा हुआ है उत्तर पूर्व, संध्या का आया उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अभी और आगे सवाल मिलेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी कमियाँ दूर हो जाएंगी। चलिए इसको सब इस सवाल करिए। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है कहाँ पर? पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। इसको पश्चिम दिशा हमारी कौन सी होती है? यह होती, ठीक है। पहले चारों दिशाएं बना लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। पश्चिम हो गया, ऊपर क्या हो गया? उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया, ठीक है। आज हमारा अंश पर आधारित चल रहा, फिर इसके बाद जस्ट आएगा इसी इसी क्लास में होगा क्रम पर आधारित। तो एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख कर खड़ा है, वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब होता है बाएं। तो मैंने बताया पहले आप बॉक्स बना लीजिए, जितना बोले बायां और जितना बोले दायां, तो आप एक साइड लिख दीजिए, ठीक है। बायां को एक साइड लिख दीजिए और दाएं को एक साइड लिख दीजिए, बाएं और दाएं को एक साइड लिख दीजिए। अब देखना है वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में 90, तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब बायां 90 घूमता है, और फिर 135 अंश उसी दिशा में, मतलब फिर 135 अंश उसी दिशा में घूमता है।
और अंत में वह 270 अंश घड़ी की दिशा में, 270 मतलब होता है दाएं घूमता, ठीक है, घूमता। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में, इसको आप ऐड कर लीजिए, जितना बाएं साइड लिखा है, जितना बाएं साइड लिखा आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, 5 हो जाएगा, 9 1 10 12 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 1 हो जाएगी, यानी 225 आया। और इधर पे कितना आया, दाएं साइड हमारा कितना आया, दाएं साइड आया कितना, 270। अब आप इनमें करेंगे अंतर, अंतर कर लिया, 225 और 70 बेटा अंतर कितने का आ जाएगा, 25 5 30 और 45 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अब 45 अंश आपको घूमना कैसा है बेटा, कौन सा मान ज्यादा है, बाएं का ज्यादा है कि दाएं का, देखिए बाएं हमारा कितना आ रहा, 225 आ रहा है, और दाएं हमारा कितना आ रहा, 270, तो बड़ा किसका मान है, दाएं का, तो आपको राइट घूमना है 45 अंश, राइट कैसा घूमना, 45। अब पश्चिम दिशा में उसका मुख था, पश्चिम से आप 45 अंश उसको दाएं घुमाएंगे, पश्चिम से आप 45 अंश उसको दाएं घुमाएंगे यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो बेटा यह दिशा आ जाएगी, ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर, उत्तर पश्चिम जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो इसको बताओ, इसको अच्छा बता दो आप लोग, इसको बता दीजिए, देखिए राम उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है, पहले सबसे पहले दिशाएं बना लीजिए, दिशाएं बना लीजिए, ठीक है, यह हो जाएगी पूरब, यह हो जाएगी पश्चिम, यह हो जाएगी उत्तर, यह हो जाएगी दक्षिण। अब कह रहा राम उत्तर पश्चिम, तो राम कहाँ पर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम, ठीक, इधर पे मुंह करके राम खड़ा है, वह 45 अंश दक्षावर, तो आप सबसे पहले वही काम करिए, पहले मतलब दाएं बोला तो दाएं लिख दीजिए, इस साइड बाएं बोलेगा तो बाएं को रख देना, ठीक है, इस साइड बाएं को बोलेगा तो बाएं को रख देना। अब उसने क्या बोला है, खड़ा वह 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां और क्लॉकवाइज, ठीक है, किसका बेटा साउथ दे रहे हैं रवि, इसका साउथ नहीं आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा, ठीक है, तो राम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर दिशा में मुख कर खड़ा है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त, चलो इसको आप लोग बताओ, कमेंट करके जल्दी बताओ फास्ट, इसका आंसर बताओ आप लोग, साउथ राइट, किसका बेटा साउथ राइट हो जाएगा, साउथ किसका राइट हो जाएगा रवि प्रजापति, साउथ किसका राइट हो जाएगा, चलो इसको हम लिखे दे रहे हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है, 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 135 अंश उसी दिशा में, तो 135 फिर उसी दिशा में हो जाएगा, इसके बाद 90 अंश वामावर्त, 90 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 90 अंश वामावर्त, और फिर अंत में 180 अंश उसी दिशा में, मतलब 180 अंश का मतलब होता है उसी दिशा में, इसको आप कर लीजिए ऐड, 90 और 180 बेटा कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना, 17, और यहाँ कितना, 270 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, 180 और 270 में सी राइट है, ठीक है, तो 180 और 270 बेटा अंतर कितने का आ जाएगा, 90 अंश। अब 90 आपके लिए समस्या बनती है, 90 हम बायां घूमे या दायां घूमे, तो आप देख लीजिए मान किसका ज्यादा है, मान जो किसका ज्यादा है, मान किसका ज्यादा है, बाएं वाले ज्यादा है, तो 90 अंश आपको कैसा घूमना, लेफ्ट, ठीक, उत्तर पश्चिम से आप 90 अंश बेटा लेफ्ट घूमेंगे, ठीक, उसका मुख कहाँ, उत्तर पश्चिम, तो 45 यह हो जाएगा, 45 यह हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर, इसको ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन सही है, फिर से गलत हो गया बेटा रवि तुम्हारा, रवि प्रजापति फिर से ही तुम्हारा गलत हो गया, फिर से गलत हो गया बेटा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा, ठीक है, 90 अंश तुमने क्या दिया था, सी नंबर दिया, उत्तर पूरब, अच्छा तुम 90 अंश, अच्छा ठीक है, तुम 90 अंश राइट घूम गए, लेकिन इसमें घूमना लेफ्ट, लेफ्ट क्यों घूमना है बेटा, मान किसका ज्यादा है, 270 का ज्यादा, यानी लेफ्ट वाले का, राइट कितना, 180, तो आपको घूमना कौन सा, लेफ्ट घूमना है,
अरे यार विषय रवि, सी राइट? नहीं बेटा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इज द राइट आंसर। डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, इसको लगाइए। अच्छा इसको लगाओ फिर। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक, मुख उसका कहां पर? दक्षिण पश्चिम दिशा। वह दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं क्रमशः। देखिए पहले यहां पर लिख दीजिए एक तरफ दाया और यहां पर लिख दीजिए बाया। तो उसने बोला क्रमशः, पहले दाएं घूमता है फिर बाएं। तो पहले दाएं कितना घूमा? 450। फिर इसके बाद बाएं कितना घूमा? 90। फिर इसके बाद दाएं बाएं, फिर बाएं बेटा कितना घूमा? 135। फिर इसके बाद दाएं हो गया बाएं, दो बार बाएं। फिर इसके बाद दाएं 180, 225। इन सबको आप कर लीजिए ऐड, मतलब दाएं का, दाएं को एक साइड ऐड कर लीजिए, बाएं को एक साइड ऐड कर लीजिए। बाएं को ऐड करने पर कितना आएगा? 5, 9, 1, 10, 2, 12, 2 कैरी, 1, 1, 1, 2, 225। ठीक है, और यहां पर ऐड करने पर कितना आएगा? 5 और 5, 10, कैरी 1, 8 और 4, 12, 2, 16, 1, 17 के साथ कैरी 1, 2, 1, 3, 1, 4। 470 से 225 आप माइनस करेंगे, 470 से 225 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? 225, 5, 30 और 70, 300, 170, 70, 5, 5, 7, 7, 14 की 4, कैरी 1, 1, 245 आ रहा है। यहाँ पे कहाँ गलत हो रहा है? गलत कहाँ पर हो रहा है ऐड करने में? आज बच्चे यार बहुत कम है, कहाँ भाग गए सब? अच्छा तो गए 5। ठीक चलो इसको बताओ आप लोग, इसको करके बताइए। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा है, वह दाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर दाएं क्रमशः 450, 90, 135, 180 घूमता है, बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बताओ भैया अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, आप सब कर लीजिए। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। पहले दाएं घूमता 450, फिर 90 घूमता है बाएं, फिर इसके बाद 135 घूमता है बाएं, फिर 180 और 225। 90 और 135, 5, 9, 1, 10, 12, 2, 1, 1, 2, 5, 5, 10, 4। यहां पर बेटा 101 मिनट, यहां पर जोड़ने में गलती हो गई। ठीक है, इसका आप लोग बताइए। ठीक, आप लोग बताइए, क्योंकि इतने सवाल करवाने के बाद भी आप लोग बताओ नहीं बता रहे हैं, कैसे काम चलेगा? है 0, 8, 4, 12, ये 14, 1, 15 की 5, कैरी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 450। ठीक है, 225 से 450 से 225 जाएगा, कितना आएगा? एन ओ टी आ रहा, चलो देखते हैं। गधे हो नोटी, एन ओ टी आ रहा। देखो 450 से और 225 में अंतर करेंगे कितना आएगा बेटा? 225 ही बचेगा। ठीक है, 225 दूना कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1, 5, 2 दूनी 4, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। ठीक है, अंतर करने पर मैंने माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 225 आए। अब आपके सामने समस्या आ रही, 225 हम कैसा घूमते हैं? लेफ्ट लेफ्ट घूमे या राइट? तो आपको देखना है क्रम कौन सा ज्यादा है। तो क्रम इसमें देखना है मान किसका ज्यादा, दाएं वाले का? हाँ रॉन्ग हेड की। तो आप इसमें मान किसका ज्यादा, दाएं वाले का ज्यादा है। तो 225 अंश आपको कैसा घूमना है? राइट। 225 अंश आपको कैसा घूमना राइट। अब उसका मुख है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम से 225, देखिए
180 तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। 180 मतलब होता है जस्ट अपोजिट। 180 और 45 बेटा कितना होता है, 180 और 45 पाँच दो एक, ठीक है। 180 और 45 कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 180 और 45 बेटा कितना होता है, 225 होता है। तो 180 यहाँ तक आ जाएगा। अब 180 यहाँ तक आ गया, 45 हमें और घूमना, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या आ जाएगा, पूरब। पूरब जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, पूर्व इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी इतने सवाल हो गए, किसी भी बच्चे का अभी तक सवाल सही नहीं आया आंसर, मुझे ये देख रहा हूँ, बड़ा ताज्जुब की बात हो रही है, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं आ रहा, बताओ। चार सौ पचास, 180, 225। हाँ आप सही हो गए बेटा, 450, 150। एक मिनट बेटा, एक मिनट, 450 फिर इसको, अच्छा, ठीक, वो हमने यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। 45 को जोड़ दिया ना, शायद यहाँ पर बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर 45 ही है, ठीक बेटा, यहाँ पर जो है 45 ही है। एक मिनट इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर जो है 450 नहीं, यहाँ पर 45 अंश ही है, ठीक है, यहाँ पर 45 अंश ही है, नहीं बेटा ठीक है, यहाँ पर 45 अंश ही है, 45 अंश है। फिर इसके बाद 90 बायां, फिर 135 बायां, और फिर इसके बाद 180 दाएं, फिर 225 दाएं, ठीक है। 125, 45, ठीक है, ठीक है, अब सही बेटा। तो 180, 225 और 45, 0, 8 4 12, 2 14 1 15 की 5, 5 और कैरी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 45 ही है बेटा, ठीक है, यहाँ पर 45 ही है। अब आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा, चलिए इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको देखते हैं, सही करो कि गलत करोगे, बहुत बड़ी गलती हो रही है। अच्छा सा, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है, 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह 3 बार 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। चलो, एक व्यक्ति का मुख कहाँ पर है, पहले यहाँ पर दिशाएं बना लीजिए, पहले यहाँ पर बना लीजिए दिशाएं, उसका मुख है कहाँ पर, ये हो जाएगी पूरब, पश्चिम, उत्तर, उसका मुख है कहाँ पर, उत्तर पूर्व, तो उसका मुख कहाँ, उत्तर पूर्व। अब वह 45 अंश दक्षिणा, तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, एक साइड दाएं लिख लीजिए, तो एक साइड लिख लीजिए बाएं, वह 45 अंश दक्षिणावर्त, तो 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर इसके बाद दक्षिणा, और इसके बाद वह 3 बार 45 अंश दक्षिणावर्त, 3 बार का मतलब हो जाएगा बेटा, 3 बार 45 अंश का मतलब हो जाएगा 90 45 कितना हो जाएगा बेटा, 135, 135, इसको करिए, ठीक है आप लोग। इसके बाद वह 3 बार 45, 45 ठीक है, और फिर वह 90 अंश वामावर्त, बाएं कितना घूमता है, 90 अंश घूमता है, और फिर अंत में फिर से 90 अंश बाएं घूमता है, तो 90 अंश फिर से बाएं घूमता है। तो बताइए अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो सबसे पहले जितना दाएं साइड लिखा दाएं साइड को ऐड कर लीजिए, जितना बाएं साइड लिखा बाएं साइड को ऐड कर लीजिए। रवि आंसर दे रहे हैं बी नंबर, उत्तर पूर्व। चलो देखते हैं, तो 5 5 10 0 4 3 7 1 8, 180 अंश हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भैया 180 और 180 दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 अंश। 0 अंश घूमना जिस दिशा में बैठा उसी दिशा में हो जाएगा। अब बस केवल रवि प्रजापति ने आंसर देने की सही शुरुआत की है, अब इनका आंसर आया है, जब 5 6 सवाल हो गए तब इनका आंसर आया है उत्तर पूर्व सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी बार, राइट है, चलो इसको बताओ। अच्छा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर खड़ा है, देखिए उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा बेटा कहाँ हो जाएगी, मतलब है, फिर बार बार बनाना पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही कर लीजिए, पहले एक साइड लिख लीजिए राइट, एक साइड लिख लीजिए लेफ्ट, 135 अंश दक्षिणावर्त, तो 135 अंश दक्षिणावर्त, और इसके उपरांत वह पुनः 135, ठीक
ठीक है, 135 फिर से घूम गया, और घूमता फिर मैं 45 अंश बामावर्त, तो 45 यहाँ हो जाएगा, अंत में मैं 45 अंश बामावर्त घूमता, तो अंत में भी 45 अंश, तो एक साइड आप इसको ऐड कर लीजिए लेफ्ट वाले को, एक साइड राइट वाले को, यहाँ कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें अंतर कर लीजिए, 90 और 270 में कितने का अंतर आ जाएगा बेटा, 90 100 हो जाएगा बेटा, 170 180 अंश का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 180 आपको कैसा घूमना, मान किसका जाएगा राइट वाले का, तो 180 अंश आपको कैसा घूमना राइट। देखिए उत्तर पश्चिम में 180 बेटा जस्ट अपोजिट आ जाएगा, जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, दक्षिण पूर्व जो है इसका बेटा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो अच्छा इसको बताओ, इसको देखते हैं किसका सही आता है। इसको देखते हैं किसका सही आता है। आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, कौन सा बेटा क्वेश्चन रॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, सही तो है 135 अच्छा वर्ग, इसके उपरांत में 135 पर घूमता है। ठीक है, 135 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, फिर 45 वामावर्त, तो 45 वामावर्त घूमता अंत में, फिर 45 तो 90 हो जाएगा, 270 और 270 और 90 में कितने का अंतर आएगा, 90 और 270 में 10, पहले वाला कह रहा हूँ मैं, कौन सा रहूँ मैं, पता नहीं कौन सा कह रहा हूँ मैं। चलो इसको बताओ, ठीक है इसको बताओ, इसको बताओ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख कर खड़ा है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त और फिर 90 अंश वामावर्त, अंत में वह 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर की ओर, ठीक उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, मुख करके खड़ा है, तो सबसे पहले आप एक साइड लिख लीजिए राइट का आंसर यानी दाएं का, एक साइड लेफ्ट, यानी बोल रहा है दक्षिणावर्त का मतलब ही बेटा होता है राइट, दक्षिणावर्त का मतलब ही होता है राइट। पहले मैं कितना घूमा, 45 अंश घूमता है और फिर 90 अंश वामावर्त, तो 90 अंश कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और अंत में मैं 135 अंश दक्षिणावर्त, तो 135 यानी राइट, फिर कितना घूम गया, 135 अंश, तो इसको आप ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, 0 8 180 अंश आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 अंश, आप इनमें दोनों अंतर कर लीजिए, अंतर कितने का आ रहा है, 90। अब 90 आपको बेटा समस्या आती है कैसा घूमना, राइट घूमना या लेफ्ट, तो मान किसका ज्यादा, राइट वाले का, तो 90 अंश आपको कैसा घूमना राइट। अब पश्चिम उत्तर से आप 90 अंश राइट जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, निकल के पूरब जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईस्ट। अब सही है रवि का, केवल एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, रवि प्रजापति, और भैया कोई आंसर नहीं दे रहा, केवल रवि का ही आंसर सही आ रहा है, और केवल वही आंसर दे रहा है सही, और बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसको बताओ भैया, इसको बता दो, अब देखो संध्या का आंसर है, बड़ी देर बाद आंसर आया है संध्या का पूरा, इसका मतलब आप लोगों में इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, आप लोगों को अंश पर आधारित वाले, अंश पर आधारित वाले क्वेश्चंस में, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। चलो इसको करो, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम का होता है इस तौर होता है 120 अंश घड़ी की सुइयों की दिशा में, देखिए घड़ी को सुइयां बोले दक्षिणावर्त बोले, ठीक है तो इसका मतलब ही होता है दाएं, तो 120 अंश कैसा, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता घूमकर 165 अंश घड़ी की सुइयों को विपरीत, तो 165 कैसा घूम जाएगा, घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में घूम, तदनुसार अब उसका मुख कहाँ पर है, तो अब इनमें अंतर कर लीजिए, 120 और 65 में अंतर कितने का आएगा, 45 का, कितने का अंतर आएगा, 45 अंश, तो आपको 45 अंश कैसा घूमना राइट या लेफ्ट, तो मान किसका ज्यादा, लेफ्ट वाले का, तो 45 अंश आपको कैसा घूमना है लेफ्ट, तो आपको 45 अंश कैसा घूमना है लेफ्ट,
तो इसका बेटा अंजलि कुशवाहा बी। वाह वाह वाह, 45 अंश बेटा लेफ्ट घूमना है। अब देखो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। यहाँ 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 ये हो जाएगा क्या, उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा और ये हो जाएगा दक्षिण पूरब और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। संदीप ब्लॉग सीधे इनका देखो आंसर सही, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो 45 अंश लेफ्ट घूमना है, उत्तर पश्चिम में पश्चिम की ओर उसका मुख है, 45 अंश लेफ्ट घूमेगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन रॉन्ग है। वाह भाई वाह, सवाल ना आए तो ऑप्शन रॉन्ग है, अरे भैया क्या बात है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। ये आप लोग पता गलती क्या करते हो, 45 अंश जैसे आया 45 अंश आप क्या करते हो, तुरंत आपने पश्चिम से 45 अंश तुरंत आपने क्या किया, तुरंत आपने राइट घुमा दिया। देखना यह होता मान किसका ज्यादा है, ठीक है, देखना यह होता मान किसका ज्यादा है। तो यहाँ पर मान किसका ज्यादा था, मान किसका ज्यादा है बेटा, लेफ्ट वाले का ज्यादा है। तो 45 अंश आपको कैसा घूमना, लेफ्ट पश्चिम से आप 45 अंश लेफ्ट घूमेंगे। दिख नहीं रहा, हाँ बेटा दिख नहीं रहा होगा, जब आंसर ना आए तो दिख नहीं रहा है। चलो अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करिए ठीक है, अंश पर आधारित वाले सवालों से लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपका आएगा क्रम पर आधारित, इसको करिए। चलिए इसको करिए। अच्छा लक्ष्मण का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, लक्ष्मण का मुख कहां पर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, ठीक है, लक्ष्मण का मुख कहां, उत्तर पश्चिम की, वह घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब होता है, घड़ी की दिशा का मतलब होता है राइट, और एक तरफ लेफ्ट बोलेगा अगर घड़ी की दिशा बोलना है तो। घड़ी की दिशा में 90 अंश और घड़ी के विपरीत दिशा में 180 अंश, इसके बाद वह 90 समान दिशा में। अब देखना यहाँ पर बच्चे फंसेंगे, 90 समान दिशा में, तो ठीक है 180 अंश में होता है तथा इसके बाद 90 समान दिशा। समान दिशा का मतलब होता है पहले वह कौन सी दिशा मुड़कर आया है, पहले वह घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ के आया है। तो इस समान दिशा का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर मैं समान दिशा में मुड़ा, तो फिर मैं लेफ्ट, फिर भी मैं लेफ्ट ही मुड़ूंगा, तो 90 अंश समान दिशा का मतलब हो जाएगा लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ लेफ्ट जितना है उसको ऐड कर दीजिए, राइट की तरफ राइट को लिख दीजिए। हाँ इसको करो राइट, टी दक्षिण पूर्व, अरे भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 8 और 9 कितना आ जाएगा, 17, 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आएगा। इसमें आप कर लीजिए अंतर, 90 और 270 में कितने का अंतर आ जाएगा, 180 का। अब 180 आपको, 180 आप चाहे लेफ्ट घूम जाइए या राइट घूम जाइए, क्योंकि 180 का मतलब होता ही है विपरीत, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। अरे भैया रवि प्रजापति ही केवल क्लास की इज्जत बचाए हुए है, रवि प्रजापति ही केवल क्लास की इज्जत बचाए हुए है बेटा, बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है, बाकी सबका आंसर गलत आ रहा है, रवि का ही आंसर देखो सही आया, क्लास की इज्जत केवल यही बचाए। 180 अंश का बेटा आप चाहे राइट घूम जाइए, देखो जब भी 180 अंश अगर मान बचे तो आप चाहे राइट घूम जाए चाहे आप लेफ्ट घूम जाए, आंसर वही आएगा। 180 का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। देखो वैसे आपको इसमें घूमना लेफ्ट था ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले का मान ज्यादा था, अगर मान लो 180 अंश आप लेफ्ट घूम जाइए ठीक, उत्तर पश्चिम से 180 अंश, तो यहाँ पर 45 ठीक है, यहाँ पर 45 45 90 90 90 45 135, 135 और 45 कितना हो जाएगा, 180। अब देखना यहाँ से घूम जाओ 45 ठीक है, 45 90 यहाँ पर हो जाएगा 45 और 45 90, 90 45 135, 135 और 45 कितना हो जाएगा, 280। 135 और 45 बेटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ठीक है। तो 180 आपका आ जाए, आप चाहे लेफ्ट घूम जाइए चाहे राइट घूम जाइए ठीक है। अब आगे सवाल जो होंगे आपको क्रम पर आधारित होंगे ठीक है, सवाल जो होंगे क्रम पर आधारित सवाल होंगे ठीक है। देखिए क्रम पर आधारित जो सवाल होते हैं उनमें क्या करना होता है, क्रम पर आधारित सवालों में क्या करना होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं आप जहां पर भी है कॉपी पेन लेके बैठिए, आप मैंने बोला कि
एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, और वह पांच बार बाएं घूमा। ठीक है, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वह पांच बार बाएं घूमा यानी लेफ्ट घूमा, तो बताइए अब वह किस दिशा में है। तो बताइए अब वह किस दिशा में है। ठीक है, देखिए अगर व्यक्ति जैसे पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर पांच बार लेफ्ट घूम लेगा, देखिए अगर चार बार व्यक्ति घूम लेगा, चार बार घूमेगा तो फिर उसी दिशा में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला चलो इसको पांच हटा दीजिए, चार लिखिए, ठीक है, इसको लिखिए यहां पर चार। एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, वह चार बार लेफ्ट घूमेगा, तो अब वह किस दिशा की ओर होगा। देखिए चार बार लेफ्ट का मतलब होता है फिर उसी दिशा में आ जाएगा, फिर उसी दिशा में आ जाएगा। ठीक, पूरब की ओर है, देखिए एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, चलो लेफ्ट ऊपर से घूमना पड़ेगा, ये राइट घुमा रहा है इसको, कोई बात नहीं। एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 अंश, फिर एक लेफ्ट का मतलब हो जाएगा फिर 90 अंश, फिर एक लेफ्ट का मतलब 90 अंश, फिर एक लेफ्ट, मतलब व्यक्ति अगर चार बार घूम लेगा तो फिर उसी दिशा में आ जाएगा, तो फिर उसी दिशा मतलब पूर्व में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर पूरब की ओर जा रहा है, मान लिया मैंने लिख दिया 10 बार लेफ्ट घूमता है, 10 बार कैसा घूमता है, लेफ्ट की जगह कर लीजिए 10 बार राइट घूमता है, पूरब की ओर जा रहा है 10 बार राइट घूमता है, तो अब बताइए अब वह किस दिशा की ओर है, पर बताना नहीं है। ठीक है, तो अब वह, क्योंकि आप बताते नहीं हो, अब वह किस दिशा की ओर है, तो मैंने बताया अगर चार बार व्यक्ति घूम लेगा तो फिर उसी दिशा में आ जाएगा। देखो पूरब की ओर है, चार बार घूमा उसी दिशा में आ गया, फिर चार बार घूमा फिर उसी दिशा में आ गया, ठीक, आठ हो गया। अब दो बचा, दो का मतलब होता है 180। ठीक है, तो एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर 180। इसमें इसलिए जब भी कभी ऐसा दिया जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, चार से भाग देंगे, चार से भाग देंगे, चार से भाग देने पर शेष हमारा कितना बच रहा है, दो बच रहा है। ठीक है, दो बच रहा है, तो दो आपको राइट घूम जाना है, दो आप राइट घूम जाएंगे, क्या करें 35 डिग्री को कैसे घुमाएंगे 35 डिग्री को बेटा कैसे घुमाओगे। ठीक है, देखो 35 डिग्री को हम लोग कैसे घुमाएंगे, इसके क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको आगे देखने। देखिए यह जो होता है, यह पूरा कितना होता है, ब्लॉक 45 अंश का होता है। ठीक है, यह कितना होता है, 45, पूरा कितना होता है 45, और इसके बीच में जो यह वाली दीवार होती है यह कितने को होती है, 22.5 की होती है। ठीक है, 22.5 इधर हो जाएगा, 22.5 इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, 22.5 और 22.5 कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर देखिए 22.5 को अगर वो पार कर रहा है, ठीक, अगर मतलब 35 अंश है, तो आपको इस तरीके से घुमाना है, 35 अंश को आपको घुमाना है, 22.5 की मतलब बाउंड्री को ये पार कर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर ऐसा दिया हो आपको चार से भाग देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, क्रम पर आधारित, चलो इसको करो। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, वह 321 बार बाएं मुड़ता है, तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। करो इसको, करो भैया जल्दी करो। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, वह 321 बार बाएं, 321 बार कैसा मुड़ता है, लेफ्ट। अब इसमें मैंने क्या बताया था, आपको चार से भाग देना है, चार से आप इसमें भाग देंगे, शेष आपका कितना बचेगा, एक, एक आपको कैसा घूमना है, लेफ्ट, दक्षिण पूर्व से आपको एक लेफ्ट घूमना है, एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 अंश। तो देखिए 45 45 90, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कर ही नहीं रहे भैया, इतने हाई लेवल सवाल आ गए, पहली क्लास में ही बताओ आप लोगों ने जवाब देना छोड़ दिया। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह 715 बार दाएं मुड़ता है, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, डी नंबर राइट। चलो इसको जल्दी बताओ रवि, इसको बताओ रवि, इसको बताओ, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, इसको बताओ रवि जल्दी।
एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा 715 बार दाएं मुड़ता है। तो आप 715, अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो बहुत ज्यादा, तो आप ऐसा करिए उत्तर दिशा से आप चलना चालू करिए, पहले एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ, 715 बार आप ऐसे घूम लेंगे तो आपका आंसर निकल गया है। अगर आपके पास टाइम हो अच्छा खासा, पेपर में एग्जाम में आपको रफ सीट मिलती है वहां पर, और एक आप पेन तो ले जाते घर से, तो आप वहां पर क्या करिए, बस आप ऐसे ऐसे घूमते जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप स्मार्ट बंदे हैं तो आप क्या करेंगे, चार से भाग देंगे, चार से भाग देंगे, चार तीन 12, शेष आपका कितना बचेगा, तीन राइट घूमना है। अगर तीन राइट का है, तीन राइट अगर बोले तो आपको एक लेफ्ट घूम जाना है, तीन राइट बोले तो आपको एक लेफ्ट घूम जाना है। उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर एक लेफ्ट घूम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि प्रजापति क्लास की इज्जत बचाए हुए हैं, ठीक है, इसको कर दीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, वह 200 बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट कितना मुड़ता है, 200 बार, फिर उसके बाद 315 बार दाएं मुड़ता है, तो 315 कैसा मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ जाएगा, ठीक है, इसको बताइए। आपके पास ज्यादा टाइम हो बेटा तो आप पहले क्या करना, 200 बार दाएं दक्षिण दे रहा, दक्षिण से पहले आप 200 लेफ्ट घूम जाना, 200 लेफ्ट घूमने के बाद फिर 315 राइट घूम जाना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप स्मार्ट बंदे हैं तो आप इन दोनों में कर लेंगे अंतर, अंतर कितने का निकल के आएगा, 200 और 315 में कितने का, 115 का अंतर निकल के आएगा। चार से आप भाग देंगे, चार तीन, चार दूनी आठ आ जाएगा, और आठ तीन चार, अट्ठे 32, चार, ठीक है, 115 ही तो आएगा, 115 आएगा, ठीक है, 115 मान किसका ज्यादा है, राइट वाले का, तो आप यहाँ पर राइट लिख दीजिए, आप इससे भाग दे दीजिए, चार दूनी आठ, और आठ और तीन कितना हो जाएगा, 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, चार अट्ठे 32, और 32 और तीन बेटा कितना आ जाएगा, 32 तीन 35, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तीन राइट। अगर मैंने बोला तीन राइट आपको बोले, तो तीन राइट अगर बोले तो आपको एक लेफ्ट घूम जाना है, एक लेफ्ट घूम जाइए आप, एक लेफ्ट घूम जाइए दक्षिण से, दक्षिण से आप एक लेफ्ट घूम जाएंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, पूरब। अरे भैया रवि प्रजापति वर्षा यादव बड़ी देर में आंसर दे रहे हैं आप लोग, रवि प्रजापति तो भैया क्लास की इज्जत बचाए, राइट हो जाएगा, नॉर्थ कह रहा है, नॉर्थ कैसे आ जाएगा, ईस्ट आएगा, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक क्या आएगा बेटा, ईस्ट आएगा। अच्छा आपने, अच्छा इसमें भाग दे दिया होगा पीछे वाले में, केवल चार एकम चार, एक शेष बचा होगा, तो आप दक्षिण से एक राइट घूम गए होंगे तो आपका तब भी लेकिन नहीं आएगा, तब तो पश्चिम आना चाहिए, फिर आप उत्तर कैसे दे रहे हैं, ये ऑप्शन सही पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसको कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसको कर लीजिए। एक व्यक्ति पूरब में जा रहा है, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है बेटा, पूरब में जा रहा है, वह 103 बार बाएं लेफ्ट कैसा घूमता है, 103 बार, और 217 बार राइट, राइट कैसा घूमता है, 217 बार, और 100 बार लेफ्ट, ठीक है, 100 बार लेफ्ट घूमता है, 200 बार राइट घूमता है, आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, लेफ्ट साइड जितना लिखा उसको ऐड कर लीजिए, राइट साइड जितना लिखा उसको ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप घूम जाइए 103 बार, और देखो लेफ्ट कितना आ जाएगा, 203 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 417 आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम हो, पहले आप देखिए पूरब में है तो पूरब से आप क्या करिए, 203 बार लेफ्ट घूम जाए, एक घूमेंगे, दो घूमेंगे, ठीक है, इस तरीके से घूम जाइए, एक दो तीन चार पांच, यहाँ चार आ जाएगा, फिर पांच छह सात आठ नौ, फिर 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से घूम जाइए। जब 203 पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर 417 यहाँ से लेफ्ट राइट घूमना चालू कर दीजिए, यानी जहां पे भी रुकेगा आके लेफ्ट, यहाँ पर मान लो रुक गया आके, तो फिर यहाँ से आप 417 राइट घूमना चालू कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप स्मार्ट बंदे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, 203 और 417 में अंतर कितने का निकल के आ जाएगा, 203, 103 बार बाएं, 217 बार राइट, ठीक है, 100 बार लेफ्ट और 200 बार राइट, ठीक है, 203 और 417 में अंतर कितने का निकल के आ जाएगा, तो 7 में 3 गई 4, 1 214 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 214 आ जाएगा, चार से भाग दे देंगे, 4 5 20 और 1 बचा, ठीक है, 4 5 20 1, 4 3 12 12 और 2, तो 2 आपको कैसा घूमना है, मान किसका ज्यादा, राइट वाले का, 2 आपको कैसा घूमना, राइट, तो पूरब से आप 2 राइट घूम जाइए,
यहाँ पर पूरब से आप दो राइट घूम जाएंगे, दो राइट का मतलब होता है 180, 180 आ जाएगा जस्ट अपोजिट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम इज द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका वेस्ट, ठीक है वेस्ट इज द राइट आंसर, वेस्ट जो है इज द राइट आंसर वर्षा यादव। ठीक है बेटा, तो आज आपकी पहली क्लास में हमने अंश पर आधारित और क्रम पर आधारित करी। कल हम लोग करेंगे कौन से, कल हम लोग करेंगे आपको अंतिम दिशा ज्ञात होगी, प्रारंभिक दिशा बतानी होगी, योगा से संबंधित करेंगे और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित कल हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, कल सूर्योदय, सूर्यास्त, योगा से संबंधित और आपको अंतिम दिशा ज्ञात होगी और प्रारंभिक दिशा पूछ रहा होगा। ठीक है, कल हम लोग इस तरीके से सवाल करेंगे। तो आज का सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आप लोग बढ़िया, नाइस सेशन उनका वर्षा। ठीक, तो आप लोग घर पर रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और हमारी मुलाकात कल फिर होगी इसी टाइम 7:30 बजे, और आप लोग और अपने मित्रों को लेकर आइए। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।